हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा लीनियर इक्वेशन का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट के लिए आपको यूट्यूब चैनल देखना होगा, प्रिपरेशन रूट्स। होपफुली आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट लगे और आपको क्वालिटी मटेरियल मिले। तो फर्स्ट वीडियो में मैं आपसे ग्राफिकल मेथड शेयर करा था, सेकेंड मेथड में अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स वाली, उनके मेथड क्या क्या है उन्हें सॉल्व करने के, और उन मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड को सीखेंगे। तो फर्स्ट मेथड है मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप इन तीनों मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हम तीनों आपसे शेयर करेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है आपको फर्स्ट मेथड ईजी लगे, मे बी सेकेंड, मे बी थर्ड, और मे बी आपको तीनों ही अच्छे लगे। तो जो मेरा एडवाइस ये होगा कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि उस मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आप उससे प्रोसीड करें, और अगर आपको मेंशन नहीं है देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर दैट मेथड जो कम टाइम ले। तो फर्स्ट हम आपसे शेयर करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के लिए। कैसे देखते हैं, मेरे पे दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं इसे नेम दे देता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने x का वैल्यू निकाला है 4 - 2y, मेरे पे ये वैल्यू आ गई है। अब मैं इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो जब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी विल गेट 2 × 4 - 2y + 4y = 12। तो यू गेट 8 - 4y + 4y = 12। तो यहां आप देख रहे हैं ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो 8 - 12y = 0, -4 = 0, जो कि कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा वाई का वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, वाई का कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर मेरा वाई का ही कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो मेरा एक्स का भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये केस क्या हो गया, एक तरीके से मेरा, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होता है इन दैट केस जो मेरी दोनों इक्वेशन हैं वो पैरेलल लाइन की केस हो जाते हैं। तो उस केस में क्या था, हमारा a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, हमने ये केस डिस्कस किया था। तो इस केस में हमने फिर क्या करा है, हमने वैल्यू ली, a1 की वैल्यू मेरे पे 1 है, ये सारे कोफिशियंट है जैसे आपसे डिस्कस करा है, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4, और अभी मैं c1/c2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये आ गया ये, तो ये तो 1/2 हो गया, ये हो गया मेरा 1/3। दैट मीन्स 1/2 = 1/2 = 1/3। तो ये मेरा जो केस है वो नो सोल्यूशन का केस है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने ये चीज देखी कि मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी पर मेरा सोल्यूशन नहीं आया। तो यहां से मेरा प्रीवियस केस, प्रीवियस लेक्चर का जो आपको जो मेथड बताया था कोफिशिएंट चेक करने का, केस नेचर चेक करने का, वो पता चल जाएगा। आइए और न्यूमेरिकल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। बेसिकली सब्स्टिट्यूट में क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने एक्स का वैल्यू निकाला तो मैंने सेकंड में सब्स्टिट्यूट करा, पर ड्यू टू बैड लक हमारा इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो इस क्वेश्चन में हमारा नो सोल्यूशन का केस है, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व फॉर 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, देन आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन y = mx + 3। अब मेरे को m की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन में मैं यहां पे, अब आप देख रहे हैं 2x + 3y = 11 है, और सेकेंड में भी मेरा 2x है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ which is equals to 11 - 3y। ये मेरी वैल्यू आ गई है। सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या है, सब्स्टिट्यूट
द वैल्यू ऑफ 2x इन सेकेंड इक्वेशन. ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकेंड है. तो मैंने सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करा वैल्यू, तो क्या आया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24. लकीली आप ये देखिए कि यहाँ पे ये दो वैल्यू सेम थी, तो मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. ये नहीं है कि मैं x की वैल्यू क्या लिखूंगा, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, आफ्टर डेट मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूँगा और कैंसिल आउट करूँगा. तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ दिखा, तो मैंने डायरेक्टली 2x का वैल्यू लिया और मैंने सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो यह आया 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस 7y इज इक्वल्स टू 11 इधर चला जाएगा, आफ्टर डेट 30 इट विल बिकम 35, माइनस से मेरा माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7y इज इक्वल्स टू 35 एंड y इज इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 5. अब मैं ये वाली वैल्यू मैं इसमें या तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूँ या फर्स्ट इक्वेशन में, उससे कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि मेरे को y का वैल्यू पता चल गया है. तो किसी भी एक इक्वेशन में सॉल्व वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा. तो मैं इस वाली वैल्यू में देख लेता हूँ, 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई माइनस 4 एंड x की वैल्यू आ गई है मेरी माइनस 2. तो y मेरा क्या आ गया 5 एंड x आ गया है मेरा माइनस 2. तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू मिल गई है. अब मेरे को m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है. तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 मेरे को मेंशन है, y की वैल्यू 5 है, m इंटू माइनस 2 x की वैल्यू है प्लस 3. अब ये 3 मेरा इधर आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 2m, माइनस 2m क्या हो जाएगा 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1. तो m की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, y इज इक्वल टू माइनस 1. देखा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा है एंड आफ्टर डेट अगेन एक वैल्यू निकलने के बाद अगेन सेकेंड के लिए मैंने सब्स्टिट्यूट करा, दोनों वैल्यू मेरी कैसे निकल के आई. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सारे सिंपल हैं, बस बेसिकली आपको अप्रोच करना आना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं, 5 years हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. जैकब की जो एज है 5 साल बाद उसके बेटे से 3 times हो जाएगी. एंड 5 years अगो, ये मेरा फर्स्ट केस है, 5 years अगो जैकब की जो एज है वो 7 times हो जाएगी उसके बेटे की एज से. तो व्हाट आर दे प्रेजेंट एजेस, सॉल्यूशन देखते हैं. सपोज उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं, लेट वो मैं ले लेता हूँ जैकब की, तो ले लेता हूँ मैं एक्स और जैकब सन की ले लेता हूँ मैं वाई. ओके, अब 5 years हेंस यहाँ पे क्या होगा मेरा, 5 साल बाद जैकब की क्या हो जाएगी, जैकब की हो जाएगी एक्स प्लस 5 और जैकब के सन की क्या हो जाएगी वाई प्लस 5 5 साल बाद. पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखा है, जैकब की जो कंडीशन है एक्स प्लस 5 जो उसकी एज है वो 3 times हो जाएगी उसके बेटे की एज से. तो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकेंड क्या है, 5 years ago जैकब क्या था, x माइनस 5, 5 साल पहले 5 माइनस कर दिया प्रेजेंट एज से, और जैकब के सन की क्या हो गई y माइनस 5. पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखा है इन्होंने, जैकब की जो एज थी वो 7 times हो गई जैकब के बेटे से. तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या आया 7y माइनस 35 x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30. ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया है. अब देखिए ये मेरी इक्वेशन है x माइनस 3y
प्लस इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस 7y माइनस 30। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, 10 प्लस 3y। अब इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 10 इधर चला जाएगा माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 40 बाई 4 विच इज इक्वल टू 10। अब 10 की वैल्यू मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ x की वैल्यू के लिए, 3y, 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। x क्या है, जैकब की एज, जैकब्स एज है x इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स, और जैकब्स सन एज क्या है, y विच इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो ये मेरा वर्ड प्रॉब्लम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड। मेरे पास दो मेथड और हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमने आपसे शेयर कर लिया है, सेकेंड के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो तीनों मेथड डिस्कस करने के बाद आप देख सकते हैं कि जोन सा भी मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें हमने आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड शेयर किया है। और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हम उतना ही फ्रिक्वेंटली टॉपिक आपसे शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।